यह है हमारे बॉलीवुड के किंग खान, जो ऑनलाइन गेम के नाम पर करोड़ों रुपए आपको जिता रहे हैं। और यह है हमारे भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली, जो MPL ऐप के माध्यम से आपको करोड़ों रुपए जीतने का मौका दे रहे हैं। भारत में अभिनेता, नेता चाहे खिलाड़ी, सभी आपको ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब आपको घर से बाहर जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये सितारे आपको घर बैठे करोड़ों रुपए जीतने का सुनहरा मौका दे रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है, मैं आकाश। आपको तो पता ही है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, पर ऑनलाइन गेम के द्वारा आप सट्टा खेल सकते हैं और कई सेलिब्रिटी आपको खेलने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। बॉलीवुड के किंग खान भी आपको 823 ऐप के माध्यम से आपको करोड़ों रुपए जीतने का मौका दे रहे हैं। आपको बता दें कि 823 ऐप एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप कई सारे ऑनलाइन गेम को एक साथ खेल सकते हैं और करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाज और सांसद गौतम गंभीर भी आपको घर बैठे पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं। इसके साथ ही BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी My11 सर्कल के माध्यम से आपको करोड़ों रुपए जीतने का मौका दे रहे हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी तो अवैध है, पर ऑनलाइन मोड में नहीं। आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टेबाजी विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन फैंटेसी गेम खेलते हैं। पहले की तुलना में 212% तक ऐसे गेम खेलने वालों की संख्या बढ़ गई है। तकरीबन 140 कंपनियां अभी गेम के इस कारोबार में शामिल है। ड्रीम 11, माई टीम 11, माई 11 सर्कल, हाउस एट भारत में भीड़ भाड़ वाली फैंटेसी स्पोर्ट्स कैटेगरी की कुछ कंपनियां हैं। भारत में FICCI EY की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट 2019 में 6500 करोड़ रुपए का था और 2022 तक 18700 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक्शन में आ गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए चेतावनी जारी की, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाज के विज्ञापन से बचने को कहा गया है। दरअसल ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट व प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, यह युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और आर्थिक खतरा पैदा करते हैं। एडवाइजरी में बताया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों से निश्चित गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। कहा गया कि ऑनलाइन सट्टेबाज के विज्ञापन भ्रामक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत विज्ञापन कोड और प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और हमारे युवा वर्ग के लोग इस पर शामिल हो रहे हैं। यह आने वाला समय बताएगा कि इसमें हमारा लाभ हो रहा है या हानि, क्योंकि इस कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे काम करने के लिए और घर बैठे ही सोच रहे हैं कि हम करोड़ों कमा लें। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद, मैं आकाश, जय हिंद।